नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश यादव, हिंदी विभाग जनता महाविद्यालय अजीत मलौरिया। पुस्तकों की श्रृंखला में आज मैं जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर के पुस्तक पर अपना विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह पुस्तक जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर महाविद्यालय में 17-18 फरवरी 2018 को हिंदी विभाग जनता महाविद्यालय अजीत मलौरिया एवं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ के सौजन्य से जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश प्रदेश के विश्वविद्यालयों के तमाम विद्वानों ने सहभागिता प्रदान कर अपनी वैचारिक विचार प्रस्तुत किया। उन्हीं विचारों को एकत्र करके पुस्तकाकार रूप देने का कार्य निखिल प्रकाशन मोहन मुरारी शर्मा द्वारा किया गया। मैं निखिल प्रकाशक मोहन मुरारी शर्मा एवं अपने महाविद्यालय के शिक्षकों, प्रबंध तंत्र के पदाधिकारियों एवं देश प्रदेश से आए हुए उन तमाम विद्वानों का बारंबार अभिनंदन करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप जयशंकर प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय स्वर विषय पर यह पुस्तक 23 विद्वानों द्वारा इसमें उनका सारगर्भित लेख प्रकाशित है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इसके उपरांत दूसरा भाग जयशंकर प्रसाद एक अनुशीलन, जिसमें लगभग जो है 17 प्राध्यापक साथियों के लेख विचार संकलित है और हम समझते हैं प्रसाद प्रेमियों के लिए यह पुस्तक निश्चित रूप से शोध कार्य के लिए एवं प्रसाद के संदर्भ में जानने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश अनंत काल से ही लोगों के लिए आश्रय स्थल रहा है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया यद्यपि यूनानी है, किंतु भारत की प्राकृतिक शोभा एवं संस्कृति से प्रभावित होकर वह गीत गाने लगती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए निर्निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह प्रसाद का बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत है और मैं चाहूंगा कि प्रसाद प्रेमियों के लिए यह एक मिल का पत्थर साबित हो, ऐसी मेरी कामना है, मानना है। जय हिंद, जय हिंदी।